हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम निकले हैं एक और स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घाटशीरस गांव अहमदनगर में। वहां पर एक खेत तालाब में स्नेक जा गिरा है कोई, तो अभी पाठक इन्होंने हमें कॉल किया था। तो दोस्तों बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, देखते हैं हम वहाँ पर जाके कौन सा स्नेक मिलता है और किस तरह हम उसको रेस्क्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ पाथरीडी तालुका अहमदनगर जिला घाटशीरस गांव यहाँ हम पहुंचे। सुधाकर पाठक इनका ये खेत के पास, देखिए खेत तालाब है, देखिए ये इसमें एक कोबरा स्नेक गिरा है, यानी जिसे मराठी में हिंदी में नाग बोलते हैं, जहरीला सांप होता है। दोस्तों यहाँ पर इसमें बहुत देर से वो गिरा हुआ था, यहाँ हम पहुंचे हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, किस तरह हम इस सांप को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद उसको पकड़ कर जंगल में रिलीज कर दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये खेत तालाब में पानी में स्नेक दिखाई दे रहा है, तो काफी देर से ये स्नेक इसमें गिरा हुआ था। दोस्तों यहाँ पर हम उसको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। बस दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, शुरू से लेकर इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। ओके Thank you.
Pelon, pelon, bang. Atle. दोस्तों यहाँ ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक गाचिरस गांव में हमने एक खेत तालाब में रेस्क्यू किया है। अभी इसे महाराष्ट्र में नाग नाम से जाना आता है। बहुत ही जहरीले सांप होते हैं ये। मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये कोबरा स्नेक यानी नाग, इनमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का एक जहर है, जो इसका जहर अगर किसी के शरीर में चला जाता है तो लगभग 2 से 2.5 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक जहर होता है। तो दोस्तों इसको अभी हमने यहाँ पर रेस्क्यू किया है, तो इसको पर्यावरण में उसको हम रिलीज करने वाले हैं, यानी फॉरेस्ट में जंगल में हम इसको रिलीज कर देंगे। दोस्तों सांपों को पर्यावरण में बचे रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन ठीक रहता है इससे। अगर हम सांपों को मारते रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। दोस्तों बहुत ही गुस्से में ये कोबरा सांप अभी बहुत ही अटैक करने की कोशिश करता है। देखिए जिस चीज को सांप से खतरा लगता है सांप को, यानी कि अभी देखिए इस बैग का खतरा लग रहा है उसको, तो उसको काटने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये बस इंसान को काटता है, ऐसी बात नहीं। जिस चीज का खतरा लगेगा, जैसे मान लो अभी ये बैग का उसे खतरा लग रहा है तो बैग को वो काटने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर किसी का पैर उस पर गिर जाता है तो ही सांप काटता है। जबरन कोई सांप, दुनिया का कोई भी सांप हो, जबरन किसी को काटता नहीं। जब उसको इस तरह से छेड़ा जाए या उसके ऊपर गलती से पैर दिया जाए तभी कोई भी सांप हो वो काट लेता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको अभी बैग में डालते हैं, फिर जाएंगे तुरंत इसको लेकर जंगल की ओर इसको रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन, स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। गाचिरस गांव है, अमल पाठक, सुधाकर अविनाश पाठक, अविनाश पाठक जी, इन्होंने हमें कॉल किया था इनकी वजह से हम ये आज ये स्नेक रेस्क्यू कर पाए हैं। अगर ये हमें कॉल नहीं करते तो शायद ये सांप इसमें, इस कुएं में, मतलब ये जो खेत तालाब है इसमें मर जाता शायद, क्योंकि बहुत तेज ये है, धूप भी है, उसकी वजह से बहुत गर्म होता है पानी, शायद वो सांप मर भी जाता। लेकिन दोस्तों अच्छा हुआ उन्होंने कॉल किया। तो इसी तरह आप भी स्नेक को रेस्क्यू कर सकते हो हमें कॉल करके, स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल करिए। अहमदनगर में कहीं भी कौन से भी तालुके में स्नेक रहेगा तो हम वहां पर पहुंच कर उस सांप को पकड़ लेंगे, जिस तरह हम आज पाथरडी तालुके में आए हैं। ये गांव गाचिरस है। तो दोस्तों अभी इसको रेस्क्यू कर लिया है, अभी एक अच्छी जगह पर हम इसको रिलीज कर देंगे। मध्ये अचानक एक सांप पडल्यामुळे फार घाबरत परा आम्ही 2 दिवस झाले। मग आणि मुलाने त्यांना फोन केला, ते तातडीने 2 तासात येऊन त्यांनी त्यांचं सक्सेसफुल केलं आणि मोठी जोर उदार होऊन हे काम करणं, हे सर्व मित्र दोस्त कंपनी यांचे आभार कसे मानावे हे कमीच आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं जंगल की ओर इस कोबरा स्नेक को जंगल में रिलीज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम जंगल में पहुंच चुके हैं, तो अभी जो कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया था यहाँ पर हम उसको रिलीज कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोज आपको रोज रोज देखने को मिलते रहेंगे।